आज बहन दलित के घर में भी बहन मायावती चार चार बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो भाई निषाद मल्ला का बेटा क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता? वोट से ही मुख्यमंत्री बना जाता है, दल बनाए हैं, जिसके पास दल होता है उसके पास बल होता है, और बल जिसके पास आता है उनका हर समस्या का हल होता है। कि अगर सर उठा के जीना है तो दो काम कीजिए, एक तो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए, उसके लिए एक रोटी कम खाना पड़े लेकिन खाइए, लेकिन बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। ये निश्चित तौर पर देखिए, हम लोग गरीब पिछड़े समाज से आते हैं, निषाद मल्ला परिवार में जन्म लिए हैं और गरीबी नज़दीक से देखे हैं, और इसी के लेके देखते हुए मैं मुंबई के ऐशोआराम की जिंदगी छोड़कर समाज को उत्थान के लिए हम लड़ाई लड़ने लगे। ये बात तो आप मानते हैं कि सरकार और सिस्टम जो पावर है उसी से गरीब लोगों का कल्याण हो सकता है, और इसके लिए हम लोग पिछले 9 साल से संघर्ष कर रहे थे। 2020 में कई बार लड़े, कई बार गिरे, कई बार हारे, और 2020 में मजबूती से 4 विधायक बना, सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला, और बिहार में अपने समाज के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग लेकर मजबूती से समाज के लिए काम कर रहे थे। लेकिन उन लोगों को हमेशा गुलाम बनाना था कि उसके इशारे पर हम चले, उसके इशारा पर नहीं चले तो उन्होंने पार्टी तोड़ दिया, विधायक ले लिए। फिर हम लोग संता के बीच में आए, संघर्ष कर रहे हैं, दल बनाए हैं, जिसके पास दल होता है उसके पास बल होता है, और बल जिसके पास आता है उनका हर समस्या का हल होता है, जिसके पास दल नहीं है वो दलदल में है। तो इसे ही सब अपने लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि अगर सर उठा के जीना है तो दो काम कीजिए, एक तो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए, उसके लिए एक रोटी कम खाना पड़े लेकिन खाइए, लेकिन बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। दूसरा, अपने अधिकार के लिए जागरूक होइए, संघर्ष कीजिए। आज अगर अधिकार के लिए हमारे पूर्वज जागरूक रहते तो आज 1950 में जब संविधान बना, बाबा साहब ने निषाद समाज को SC में रखा गया था, आज बंगाल में निषाद SC में है, दिल्ली में निषाद SC में है, लेकिन बिहार में नहीं है। जब देश एक है, संविधान एक है, देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने अधिकार को नहीं समझ पाए, संघर्ष नहीं कर पाए, इसलिए हमको आरक्षण नहीं मिला। आज आरक्षण मिल गया रहता तो आज हमारे समाज के लोगों को 15% आज उनको नौकरी में आरक्षण मिलता, आज हमारे समाज में कलेक्टर होता, SP होता, दरोगा होता, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि नहीं हो पाया। तो इसी के लिए आज बच्चे को पढ़ा लिखा के संघर्ष करें। दूसरा, पढ़े लिखे रहेंगे तो अपने अधिकार को समझेंगे और संघर्ष करेंगे, अपनी पार्टी को बनाएंगे। आज बहन दलित के घर में भी बहन मायावती चार चार बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मुसहर समाज से हमारे जितना माजी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो भाई निषाद मल्ला का बेटा क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता? वोट से ही मुख्यमंत्री बना जाता, और 15% आबादी हमारे पास पूरे बिहार में है, और हमने हर बार अकेले चुनाव लड़ के 15% वोट ला के दिखा दिया, और समाज जागरूक हो चुका है, और आने वाला समय में निश्चित तौर पे हम लोग 2024 और 25 में लड़ेंगे, और हमारा जो खोया हुआ साम्राज्य है उसको हम वापस करेंगे, और अपने समाज का हक अधिकार से हम भारत के संविधान के दायरा में रहकर काम करेंगे। सर, अभी जदयू में जो हालात है, लगातार सारे लोग निकलते जा रहे हैं सदस्यता की? नहीं, निश्चित तौर पे सभी अपने अपने पार्टी को सोचना चाहिए। आज तो हमारी पार्टी मजबूती से बहुत कम समय में बहुत बड़े मुकाम को हम लोगों ने छुआ है, हम अपनी पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि बिहार में जितने भी पार्टी है, चाहे JDU हो, RJD हो या भाजपा हो, सब कमजोर हो जाए, एकलौता पार्टी VIP हो वो सबसे मजबूत हो और अपने दम पे सरकार बनाएंगे। तो दूसरा अगर कमजोर हो रहा है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, और हमारी पार्टी मजबूत हो रहा है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम पार्टी हमारे मजबूत हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर जिनके नियत और नीति सही नहीं होगा तो उनकी पार्टी कमजोर होगी। क्या अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है लालू फैमिली पे? कल तो उनकी जमानत मिल गई, लेकिन 25 मार्च को पेश होना है तेजस्वी को। देखिए, एक प्रक्रिया है, देश के साथ, लोगों के साथ, गरीब जनता के साथ अगर कोई गलत करेंगे और उसके ऊपर केस होगा तो एक संविधान में व्यवस्था है सबको जांच करने का, तो जांच कर रहे हैं, उस पर हमें ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन लोगों का बीच में है कि ये बदले का भावना पे इस तरीके से जांच हो रहा है, तो ये भारत सरकार को सोचना चाहिए कि बदले का भावना नहीं होना चाहिए। और रहा कि एक प्रक्रिया है, कानून है, सबके लिए है, जैसे कानून है कल उनको जमानत मिला है तो सबके साथ कानून है, एक सरीका काम करेंगे, सरकार ठीक है आगे पीछे कर सकता है लेकिन कानून सबके लिए है। अब किधर जाना चाहेंगे सर, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं? याद कर दे।